हरियाणा में बीजेपी ने सत्ता विरोधी माहौल की काट के लिए 4 मंत्रियों समेत 15 विधायकों के टिकट तो काटे हैं, लेकिन उसे बगावत और विरोध से भी जूझना पड़ रहा है। दूसरे दलों से आए नेताओं और उनके परिवारवाद को बढ़ावा देने से भी पार्टी में नाराजगी है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और उसके चुनाव रणनीतिकारों के सामने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की बेहद कठिन चुनौती है। सीएम सैनी अभी तक बगावत को ठंडा करने में सफल नहीं हो पाए हैं। अब भाजपा की उम्मीदें पीएम मोदी से टिकी हुई है। आगामी 4 विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे कठिन लड़ाई हरियाणा में ही मानी जा रही है। टिकट तय करने के लिए भी भाजपा नेतृत्व को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भी बड़े नेताओं के बीच कई दौर की बैठक के बाद ही टिकट तय हो सके। इसमें भी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली व वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा टिकट नहीं पा सके। राज्य सरकार में मंत्री सीमा त्रिखा व बनवारी लाल की भी छुट्टी कर दी गई। मंत्री रंजीत चौटाला ने तो टिकट ना मिलने पर पार्टी ही छोड़ दी। दूसरे दलों खास करके कांग्रेस से आए नेताओं को पार्टी ने काफी तवज्जो दी है। कांग्रेस से आए किरण चौधरी को राज्यसभा में लाया गया और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को विधानसभा टिकट भी दिया गया। मूल रूप से कांग्रेसी रहे लेकिन काफी समय पहले भाजपा में आ चुके केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती भी टिकट हासिल करने में सफल रही। कांग्रेस से आए रमेश कौशिक के बेटे देवेंद्र कौशिक और कुलदीप विश्नोई के बेटे भव्य विश्नोई को भी टिकट मिल गया। ऐसे में भाजपा के भीतर नाराजगी बढ़ी है और बगावत से लेकर विरोध तक सामने आए हैं। कई सीटों पर टिकट ना मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पर्चे भरे हैं। हालांकि पार्टी की कोशिश नाम वापसी तक कुछ को मनाकर उनको बिठाने की है। सोनीपत, पानीपत से लेकर हिसार और फरीदाबाद तक भाजपा को बगावत का सामना करना पड़ा। इन सभी सीटों पर बागी मुकाबले बने रहने पर कायम है। इन नेताओं में देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भी शामिल है। वो हिसार सीट से मैदान में उतरी हैं और भाजपा के कमल गुणवत्ता की टेंशन बढ़ा रही है। इसके अलावा सोनीपत में पूर्व मंत्री कविता जैन चुनाव में उतरी हैं। अटेली विधानसभा सीट पर भी भाजपा के लिए चुनौती खड़ी हो गई, जहां संतोष यादव बागी होकर उतरे हैं। वो प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं। उनके अलावा पानीपत से हिमांशु शर्मा, महम सीट पर शमशेर खरखरा जैसे नेता भी भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। बगावत और नाराजगी की वजह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दिक्कतें बढ़ी हैं। उनकी अपनी सीट भी आसान नहीं है और दूसरे उम्मीदवारों को जिताने का दबाव भी उन पर है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कई प्रमुख नेताओं के टिकट इसलिए भी काटे हैं क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री तथा मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के विरोधी खेमे में माने जाते थे। साथ ही उनके ऐसे समर्थक भी टिकट पा गए हैं जिन पर भारी विरोध था। भाजपा के चुनाव अभियान का काफी दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार पर टिका है। मोदी 15 सितंबर को कुरुक्षेत्र से प्रचार शुरू करेंगे। पार्टी के सभी बड़े नेता राज्य में प्रचार करेंगे। कठिन हालात में भी भाजपा को कांग्रेस के भीतर के घमासान से कुछ लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।